दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी और देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सोमवार को मार्च तिमाही यानी कि क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 2024 के नतीजे जारी किए। रिलायंस के नतीजे तो ब्रोकरेज हाउसेस की उम्मीद से बेहतर रहे। नतीजों के बाद ब्रोकरेज फर्म ने अपनी राय रखी है। चलिए जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों के बाद क्या रहा ब्रोकरेज का रुख और उन्होंने क्या दिया टारगेट प्राइस। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिजतक। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्च तिमाही नतीजों पर कहा है कि एबिटा अनुमान के मुताबिक रहा। जियो और O2C यानी कि ऑयल टू केमिकल में बढ़त, लेकिन रिटेल सेगमेंट में कमजोरी देखी गई। फर्म को लगता है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कंपनी की एबिटा ग्रोथ 14% हो सकती है। वहीं जियो के लिए भी ब्रोकरेज ने एबिटा अनुमान 1-4% की बढ़ोतरी की रखी है। जेफरीज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्च तिमाही नतीजों पर 15% अपसाइड के साथ ₹3,380 का टारगेट प्राइस सेट किया है, साथ ही इस पर बाई रेटिंग बरकरार रखी है। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा है कि RIL का स्ट्रेंथ ग्लोबल स्केल पर बिजनेसेस बनाने में है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा कैपिटल वाले प्रोजेक्ट्स को सही तरीके से जमीन पर उतारने में भी कंपनी को महारत हासिल है। इस ब्रोकरेज फर्म ने जियो और रिटेल की वैल्यूएशन बढ़ाई है। नुवामा मुख्य तौर पर O2C बिजनेस को लेकर पॉजिटिव है। उसने स्टॉक पर बाई रेटिंग बरकरार रखी है और इसके लिए ₹3,500 का टारगेट प्राइस दिया है। RIL पर मोतीलाल ओसवाल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल सेगमेंट के लिए पॉजिटिव है। इसने रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल में फाइनेंशियल ईयर 2024-26 के लिए 14% और 25% एबिटा CAGR का अनुमान जताया है। मोतीलाल ओसवाल ने 10% अपसाइड और ₹3,245 का टारगेट प्राइस दिया है, साथ ही अपनी बाय रेटिंग को बरकरार रखा है। MK ग्लोबल ने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। उसने इस स्टॉक में निवेश बढ़ाने की सलाह दी है। इसने टारगेट प्राइस बढ़ाकर ₹3,200 कर दिया है। ब्रोकरेज फर्म को जियो के टैरिफ बढ़ाने की उम्मीद है। उसने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कमाई के अनुमान को 2-5% तक बढ़ा दिया है, साथ ही उसने शेयर का टारगेट प्राइस 8% बढ़ाया है। UBS रिलायंस को लेकर पॉजिटिव है। इसने अपनी रेटिंग बाय बरकरार रखी है और टारगेट ₹3,420 का दिया है। बता दें, रिलायंस ने कहा है कि 31 मार्च को उस पर $14 अरब का शुद्ध कर्ज था। ये एक साल पहले के मुकाबले में 8% कम है। बर्नस्टेन ने इसे पॉजिटिव बताया है। वहीं जियो के उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन, O2C सेगमेंट के मुनाफे में अच्छी वृद्धि को देखते हुए बर्नस्टेन ने इस स्टॉक पर अपनी आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है और इसने टारगेट प्राइस ₹3,160 दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने कंपनी के स्टॉक पर अपनी ओवरवेट रेटिंग बनाए रखी है और इसने इसका टारगेट प्राइस ₹3,046 रखा है। बता दें, रिलायंस के मार्च तिमाही नतीजे की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 की जनवरी मार्च तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मुनाफा 8.2% बढ़कर ₹21,243 करोड़ हो गया है। क्वार्टर फोर में कंपनी की आय भी 5.59% बढ़कर 2.37 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इस तिमाही में ऑयल टू केमिकल बिजनेस के मजबूत प्रदर्शन और कंज्यूमर सेगमेंट, जियो रिटेल की अच्छी ग्रोथ से RIL के नतीजों को सहारा मिला है। ऑयल और गैस सेगमेंट की आय में 42% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं चौथी तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट साल दर साल आधार पर 2% गिरा है और ये 18,951 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसके बावजूद नतीजे एनालिस्ट के अनुमानों से बेहतर रहे हैं। तिमाही नतीजे जारी करने के साथ साथ रिलायंस की ओर से डिविडेंड का भी ऐलान किया गया है। RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रिजल्ट्स पर कहा कि रिलायंस 1 लाख करोड़ रुपए के प्री टैक्स प्रॉफिट को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। बता दें, मंगलवार को रिलायंस में हल्की गिरावट देखी गई और ये ₹2,935 के करीब ट्रेड कर रहे थे। बीते एक महीने में रिलायंस ने 1.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, 6 महीने में करीब 30% और 1 साल में 24% और 5 साल में 112% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। रिलायंस के रिजल्ट और उसके शेयर को लेकर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ, किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से राय जरूर लें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिजतक। बिजतक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर,
लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में तीन तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।